मुंगेली जिले के सेतगंगा थाना फास्टरपुर के अंतर्गत लगभग 60 से 70 गांव में अवैध शराब का कारोबार लंबे समय से किया जा रहा था। शराब मध्य प्रदेश व बिहार से लाकर छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में खपाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर थाना फास्टरपुर के अंतर्गत ग्राम नारायणपुर में क्राइम ब्रांच एवं पुलिस थाना फास्टरपुर के संयुक्त कार्रवाई की गई है, जहाँ 73 पेटी अवैध शराब की जब्ती की गई है। लागत लगभग 2 लाख रुपए बताया जा रहा है। दो आरोपी जो कि मध्य प्रदेश एवं बिहार के निवासी हैं, रमेश सिंह पिता नथनु सिंह उम्र 30 वर्ष ग्राम पाती थाना देव जिला औरंगाबाद एवं मालवाहक चालक सुखेंद्र चमार पिता भगवान दास उम्र 33 वर्ष ने जो अपने छोटा हाथी मालवाहक गाड़ी वाहन क्रमांक MP 19-10-21 में 73 पेटी देशी मदिरा 876 लीटर चावल की बोरी में छुपाकर माल खपाने ले जा रहे थे। आरोपी के ऊपर धारा 34/1 34/2 59 का आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मिली जानकारी के अनुसार यह शराब लगभग 60 से 70 गांव में पुराने कोचियों को सप्लाई करने के लिए ले जाई जा रही थी। सबसे बड़ा सवाल है कि जिले के सुदूर अंचलों में मध्य प्रदेश की शराब को बिहार के लोगों के द्वारा छत्तीसगढ़ के मुंगेली कवर्धा बेमित्रा के सीमाओं में खपत की जा रही है। क्राइम ब्रांच से मनीष सिंह प्रधान आरक्षक, आरक्षक बलराज सिंह, दयाल गावस्कर, दिलीप साहू, यशवंत राहिरे, अतुल सिंह, राजेंद्र यादव, राहुल यादव, थाना फास्टरपुर से उप निरीक्षक KL ध्रुव ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की। आरोपी को रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ये फास्टरपुर थाने में जो आज कार्रवाई की गई है शराब को लेकर, कितनी बड़ी कार्रवाई कैसे लेते हैं आप? हाँ जी हाँ, यहाँ लंबे समय से थाना क्षेत्र में मध्य प्रदेश और बिहार से अवैध शराब बिक्री हो रही, इस सूचना पर दिनांक 5/6/2018 को क्राइम स्क्वाड प्रभारी मनीष सिंह एवं उनके स्टाफ की संयुक्त कार्रवाई के दौरान देहात रवाना हुआ था। जरिए मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम नारायणपुर के पास MP 19L-10-21 में अवैध रूप से मध्य प्रदेश का सील लगा हुआ शराब रखा हुआ है, जिसे सप्लाई करने वाले हैं, जिसे पूरे मुंगेली क्षेत्र में सप्लाई की जाती है, कि इस सूचना पर ग्राम नारायणपुर पहुंचने के बाद जैसे ही हम पहुंचे, वैसे ही MP 19 का चालक तेज रफ्तार से गाड़ी बढ़ा रहा था, जिसे दौड़ाकर पकड़ा गया। पकड़कर पूछताछ की गई, जिन्होंने स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश से दारू सप्लाई की जा रही है, कि इस जिसे चेक करने पर 73 पेटी देसी मदिरा कीमती 2 लाख को वजह सबूत में जब्त किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 34(1)(2)(59) के तहत कार्रवाई की जा रही है। जब्त शुदा वाहन को राजसात्विक कार्रवाई की जाएगी।